ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो कैसे हो गाइस आप लोग, आई होप अच्छे होगे। मैं भी मजे से हूँ। और 2021 का जो हमारा साल का पहला महीना है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आई होप आपका जो साल है वो अभी तक अच्छा गया होगा। और गाइस आज एक बार फिर से मेरे पास आपके लिए इस वीडियो में बड़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं आपको बताने के लिए। सीएम पंक WWE क्विट करने की एनिवर्सरी मना रहे हैं। इसके अलावा गाइस जैसे मैंने आपको कल वीडियो में कहा था कि मैं ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के बारे में आपको अपडेट दूंगा, तो इस वीडियो के अंदर वो चीज़ होने वाली है। और डेफिनेटली एक चीज़ आपको कर देगी बहुत ही ज़्यादा खुश, हमारे द बिग डॉग रोमन रेंस ने एक बार फिर से गोल्डबर्ग के स्पीयर की छिल दी है। और गाइस उन्होंने ये भी कि अब तक का सबसे बेस्ट स्पीयर उन्होंने अपने WWE करियर में किसको दिया है। जिंदर माल के थीम सॉन्ग, उनके एंट्रेंस के बारे में, विंस मैकमैन से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता लगी है जो कि डेफिनेटली सुनकर आप लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे। रॉयल रंबल 2021 के अंदर शायद पिछले 11 सालों की एक स्ट्रीक टूट सकती है। क्यों WWE ने एज के रिटर्न को पहले से अनाउंस कर दिया रॉयल रंबल के लिए, तो भाई बहुत सारी बातें होने वाली वीडियो के अंदर, बस वीडियो से चिपक जाओ। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। और जैसे गाइस मैंने आपको बताया था कि हम लोग फैंस का अखाड़ा लेकर आ रहे हैं, तो फाइनली आज शाम को 7:30 बजे के आसपास आपको फैंस का अखाड़ा जो है इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। भाई भर भर के आप लोगों ने वीडियोस भेजी है रॉयल रंबल के बारे में, उसमें बात होगी बहुत ही ज्यादा डिटेल में, तो वीडियो को विस्मत करना। आई थिंक 7:30 बजे के आसपास वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। खैर हम लोग बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। और गाइस ये जुड़ी है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। अब चलो रिटर्न के बारे में तो उनकी बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उसको हमने बचा के रखा है वो फैंस का खड़ा वाली वीडियो के लिए जो कि आज आपको देखने को मिलेगी शाम को। लेकिन गाइस सीएम पंक ने ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट किया जो कि आप लोग देख सकते हो इस समय यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर। सिंपली यहाँ पर उन्होंने वो दिल वाली और हंसने वाली इमोजी लगाई है आगे पीछे, और बीच में लिखा हैप्पी एनिवर्सरी टू मी। अब जो बंदा सीएम पंक को बहुत पहले से फॉलो नहीं कर रहा है, फिर अभी अभी उसने देखा होगा कभी, मतलब अभी हाल फिलहाल में ही, तो उसको एक बार को समझ में नहीं आएगा कि भाई ये सीएम पंक लिखना क्या चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से अब अपने दिमाग पीछे लेकर जाओ तो गाइस 27 जनवरी ये वही डेटा है जब WWE से सीएम पंक चले गए थे, मतलब उन्होंने WWE को क्विट कर दिया था। और यहाँ पर अपनी आप लोग कह सकते हो ये कितने साल हो गए, 2014 से अब तक 7 साल की जो एनिवर्सरी, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो 7 साल अपने पूरे होकर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं सीएम पंक। अब सीएम पंक की बात तो माननी पड़ेगी, भाई बंदे को WWE में आना हो या फिर ना आना हो उसको हाइप इसके अराउंड जरूर बनानी है। तो एक बार फिर से जो है सीएम पंक का एक ट्वीट था, बाकी इस ट्वीट के बारे में आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके आप लोगों को जरूर बता सकते हो। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि भाई जो मैं आपको ये अपडेट्स वाली वीडियो देता हूँ ना, कई बार इसके अंदर मैं आपको ऐसी बातें बताता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है बताने के लिए। और गाइस आज मेरे पास आपको बताने के लिए एक ऐसी चीज़ है, जिंदर महाल का थीम सॉन्ग आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद भी होगा, मतलब पर्सनली मैं तो इसको जब मैं जिंदर महाल जब WWE चैंपियन बने थे तो सुनने में इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो गाइस यहाँ पर WWE नाउ इंडिया के एपिसोड में आते हैं जिंदर महाल, और उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने कभी अपने थीम सॉन्ग के ऊपर जो आपका एंट्रेंस म्यूजिक है उसके ऊपर डांस किया है। तो गाइस यहाँ पर जिंदर महाल का जो रिप्लाई था वो सुनकर आप लोग शॉक हो जाओगे। जिंदर महाल ने कहा देखो मैंने तो खुद नाच नहीं किया, लेकिन जिस बंदे के बारे में मुझे पता चला है वो मेरे थीम सॉन्ग पर नाचा है वो कोई और नहीं बल्कि WWE के मालिक साहब विंस मैकमैन है। जिंदर महाल ने स्टोरी बताई कि मैं अपनी एंट्रेंस कर रहा था और तमीना जो है गोरिल्ला पोजीशन पर थी, आपको पता है ये वो जगह होती है जहाँ पर विंस मैकमैन बैठकर पूरे शो को देखते हैं। तो तमीना ने मेरे को बताया कि जैसे ही तुमने अपनी एंट्रेंस करी ना तुम्हारा थीम सॉन्ग बजा, जिंदर महाल के थीम सॉन्ग पर विंस मैकमैन अपनी उस पोजीशन पर बैठकर नाचने लग गए थे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि जिंदर महाल ने रिवील करी। उन्होंने कहा देखो आज तक मैं तो नहीं नाचा हूँ, लेकिन WWE के मालिक साहब विंस मैकमैन मेरे थीम के ऊपर जरूर नाचें। वैसे हैवी नाच जैसा तो विंस मैकमैन मेरे ख्याल से कहीं से भी गलत नहीं थे। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा कि रॉयल रंबल की एक ऐसी स्ट्रीक है जो कि शायद 2021 में टूट सकती है। और गाइस यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कोफी किंगस्टन के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोफी किंगस्टन 2009 से 2020 तक सारे के सारे रॉयल रंबल के अंदर अपीयर हुए हैं। लेकिन गाइस इस साल अगर कोफी किंगस्टन रॉयल रंबल के अंदर नहीं आते तो सबसे पहले तो एक चीज़ जो हम लोग मिस करेंगे वो ये, जैसे अतरंगी कारनामे रहते हैं कोफी किंगस्टन के, वो जिस तरीके से एस्केप करते हैं, एस्केप तो नहीं बोल सकते, मतलब जिस तरीके से वो बचते बचाते हुए रिंग में आते हैं, बाहर उनको गिराने के बावजूद भी कैसे भी वापस आ जाते हैं। लेकिन गाइस क्योंकि आपको पता है कोफी किंगस्टन है इंजर्ड, और अगर कोफी किंगस्टन रॉयल रंबल के अंदर अपनी वापसी नहीं कर पाते तो पिछले 11 सालों से लगातार रॉयल रंबल के अंदर कोफी किंगस्टन के अपेयर होने की जो स्ट्रीक है वो टूट जाएगी। और भाई उनके अतरंगी जो कारनामे वो भी हम लोग मिस करने वाले रॉयल रंबल के अंदर। तो हम लोग होप करते हैं कि जल्दी से कोफी किंगस्टन रिकवर कर जाएं, एटलीस्ट रॉयल रंबल से पहले रिकवर कर जाएं। अब तो वैसे ज़्यादा टाइम ही नहीं बचा है। अगर आपको नहीं पता तो उनकी जॉ में कुछ प्रॉब्लम है, अब एग्जैक्टली उसका ये नहीं पता नेचर कितना ज़्यादा वो सीरियस है, लेकिन कोफी किंगस्टन अगर नहीं हो पाते रिकवर तो भाई वो कर लेंगे रॉयल रंबल को मिस। और वो जो तड़का है ना कोफी किंगस्टन का वो डेफिनेटली हम लोग इस साल रॉयल रंबल के अंदर मिस करने वाले हैं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये जुड़ी है एज से।
अब WWE ने रॉ के एपिसोड में आउट ऑफ नोवेयर एज का जो रिटर्न होने वाला रॉयल रंबल के अंदर उसको अनाउंस कर दिया। WWE ने इसको सरप्राइज नहीं रखा, तो काफ़ी सारे जो फैंस हैं ना जो कंप्लेन करते रहते हैं WWE ये काम करे, मतलब WWE उस चीज़ को लेफ्ट तरीके से करे तो भी दिक्कत, राइट तरीके से करे तो भी दिक्कत, फैंस को हमेशा दिक्कत ही दिक्कत। तो ऐसे में सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक फैन ने पूछा कि भाई तुम्हारा जो रिटर्न है वो पहले से अनाउंस कर दिया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो भाई WWE सुपरस्टार एज ने उसको रिप्लाई किया, उन्होंने कहा देखो लास्ट ईयर भी मैंने यही किया था और अगर इस साल भी मैं यही करता तो तुम कहते कि भाई तुमने तो बिल्कुल सेम कर दिया, और अगर मैंने अनाउंस कर दिया तो भी तुमको दिक्कत है। तो एज ने कहा सिंपली मजे लो, तुम ज़्यादा इसके बारे में सोचो मत। तो मेरे ख्याल से हर एक फैन को रिप्लाई है जो कि हर बात पर कंप्लेन करते रहते हैं। और जहां तक अगर आप ये पूछो कि WWE ने एज के रिटर्न को अनाउंस किया क्यों, तो इसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि वहां पर क्राउड नहीं है, तो WWE को ये नहीं लगा कि अब जब वहां पर एक्चुअल में क्राउड ही नहीं आने वाला, थंडर डोम की तरह से फैंस आएंगे, तो ऐसे में एज के रिटर्न को पहले से अनाउंस कर देते तो इसका ही फायदा भी हो जाएगा कि WWE जो के जो फैंस हैं उनकी हाइप बन जाएगी इस वाले पेपर व्यू को देखने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये भी सही डिसीजन है, और मेरे ख्याल से यार ये रोने धोने वाले फैंस से तो हमको दूर ही रहना चाहिए क्योंकि इनका रोना धोना हर बात के ऊपर ही लगा रहता है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने एलेक्सा ब्लिस का वो जो रॉकिंग हॉर्स नहीं देखा था जिसके ऊपर वो बैठती है मंडे नाइट रॉ के ऊपर, एक बड़ी क्रिप्टिक वीडियो बूगीमैन ने डाली अपने ट्विटर के ऊपर जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर। और मुझे तो लग रहा है बूगीमैन यहाँ पर बैक स्टेज ही हैं, और ये वही लकड़ी का घोड़ा है जो कि एलेक्सा ब्लिस ने रॉ पर यूज़ किया था, और बड़े खतरनाक तरीके से बूगी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं जो कि पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ से और क्या इससे समझ सकते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है बूगीमैन एंड फिंड का आपस में लिंक, तो शायद इस वाली चीज़ को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। वैसे बताने के लिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये थोड़ी खतरनाक सी वीडियो थी, और कहीं अगर इसका स्टोरी लाइन में सेंस निकलता है तो आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी बूगीमैन फिंड अगर आपने सामने आ गए दो खतरनाक गिमिक वाले, तो भाई इसको देखने में तो मज़ा ही आ जाएगा। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और गाइस ये जुड़ी है रोमन रेंस से, और रोमन रेंस ने सबसे पहले स्पीयर के बारे में बात करते हुए गोल्डबर्ग की छिल दी। उन्होंने कहा कि देखो लोग कहते हैं कि गोल्डबर्ग ज़्यादा खतरनाक तरीके से स्पीयर लगाता है, क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं अच्छा परफॉर्मर हूँ इसलिए मैं ऐसे स्पीयर नहीं लगाता। मतलब रोमन रेंस यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कि गोल्डबर्ग को तो परवाह ही नहीं है सामने कौन बंदा है, कितनी जोर से मारो, इंजर्ड हो या फिर कुछ हो, गोल्डबर्ग को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं अच्छा परफॉर्मर हूँ और मुझे इस बात से लेना देना होता है कि जो मेरे साथ कंपीट कर रहा है वो कहीं अनसेफ फील ना करे, तो इसलिए जो मेरा स्पीयर है वो आपको इतना खतरनाक नहीं लगता। वैसे मैंने अपनी रॉ वाली वीडियो के अंदर कहा भी था कि गोल्डबर्ग को फर्क नहीं पड़ता है कि स्पीयर कितने ही जोर से मारो, इसलिए उनका स्पीयर जो है खतरनाक भी नजर आता है। तो रोमन रेंस का भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही कहना था। और जब बात आई कि उन्होंने अब तक अपने सबसे अच्छा स्पीयर किसको लगाया, तो यहाँ पर उन्होंने रूसेव को स्पीयर लगाने की बात करी जो कि हमको समर स्लैम 2016 में देखने को मिला था। रोमन रेंस एकदम रैंप से भाग कर आए थे और उन्होंने रूसेव को स्पीयर लगाया था, तो वो रोमन रेंस का जो है स्पीयर है जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और जब उनसे ये पूछा गया कि सबसे अच्छा स्पीयर लेता कौन है, यानी कि कौन सबसे बढ़िया उसको टेलीविजन के ऊपर दिखाता है, तो पहला नाम उन्होंने जिसका लिया, मेरे ख्याल से आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स का। उन्होंने कहा बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जो एजे स्टाइल्स हैं वो मेरे स्पीयर मूव को सेल करते हैं, और इन फ्यूचर में भी एक बार फिर से रोमन रेंस ने उम्मीद जताई है कि अगर मेरे को एजे स्टाइल्स के साथ फ्यूड मिलती है तो इसको डेफिनेटली करने में मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो ये पता चलता है हमको कि भाई भले ही वो आपका मूव है लेकिन सामने वाले बंदे को भी ना उसको अच्छे से सेल करके दिखाना होता है, जैसे जिगलर सेलिंग करते हैं बहुत अच्छी, तो रोमन रेंस का यहाँ पर एजे स्टाइल्स वो नाम था। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और अब मैं बात करने वाला हूँ ब्रॉक लेसनर एंड जॉन सीना के स्टेटस के बारे में, उनके WWE के रिटर्न के बारे में। तो हमेशा इनके बारे में अपडेट बदल बदल के आती है, लेकिन गाइस अब मेरे को फाइनली आपको कुछ बताने के लिए ऐसी चीज मिली है जिसे सुनकर आप लोग हो जाओगे बहुत ही ज्यादा खुश। सबसे पहले बात करते हैं जॉन सीना के बारे में, एंड गाइस अकॉर्डिंग टू रेसलिंग इंक जो कि काफी रिलायबल सोर्स है, उनकी तरफ से हमको पता चला है कि जॉन सीना इज नाउ 100% लॉक फॉर द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ द मॉल दिस ईयर, यानी कि आपको जॉन सीना इस साल रेसलमेनिया के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे, ये हमको रेसलिंग की तरफ से पता लगा है। अब अगर आप ये पूछ रहे हो कि जॉन सीना का अपोनेंट कौन होगा, तो एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि उन्होंने हमको ये भी बताया कि अभी खुद जॉन सीना को भी नहीं पता कि उनका अपोनेंट कौन होने वाला है रेसलमेनिया 37 के अंदर। और ये बात मैं आपको इस समय इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है अब रॉयल रंबल पेपर व्यू है, और अगर जॉन सीना रेसलमेनिया के लिए लॉक हो गए तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक बात रही ब्रॉक लेसनर की, तो गाइस ट्रिपल एच जो कि खुद आपको पता है WWE के अंदर बैक से चीजों को हैंडल करते हैं, क्या क्रिएटिव चीजें होनी है, उन्होंने यहां पर ब्रॉक लेसनर के बारे में कहा कि देखो भाई इतने टाइम ब्रॉक लेसनर के साथ काम करके मुझे ये बात तो पता चल गई है कि वही चीज ब्रॉक लेसनर करते हैं जो कि वो करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से उनको नहीं बदल सकते। अगर ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया के अंदर आना चाहते हैं तो फिर वो आएंगे, अगर वो नहीं आना चाहते तो वो नहीं आएंगे। और इस बात को पता लगाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, और वो है ब्रॉक लेसनर को कॉल करना और उनसे पूछना कि आपका क्या सीन बनता है WWE के अपकमिंग शो के लिए।
तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ट्रिपल एच ने बातों को घुमाने की कोशिश करी है, लेकिन मुझे ट्रिपल एच की बातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद वो किसी बड़ी चीज़ को छुपाना चाह रहे हैं। और वो बड़ी चीज़ क्या है, वो है रॉयल रंबल के अंदर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करना। क्योंकि ऑब्वियसली भाई, अगर सरप्राइज होना है ब्रॉक लेसनर का तो ट्रिपल एच ऐसे तो बताएंगे नहीं, वो तो जानबूझ के बातों को घुमाने की कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर जैसा बड़ा नाम WWE को चाहिए भाई, तो मैं ये कहूँगा कि रॉयल रंबल में भले ही जॉन सीना रेसलमेनिया के लिए लॉक है, लेकिन रॉयल रंबल में जॉन सीना से ज़्यादा ब्रॉक लेसनर का आने का चांस है। और इसके बारे में हम लोगों ने और भी अच्छे से बात करी है फैंस का अखाड़ा के एपिसोड में अगेन, जो कि 7:30 बजे के आसपास आ जाएगा, तो उसको भी आप लोग देखना और आपको जो है अच्छे से सारी चीज़ें पता चल जाएंगी इस बारे में। लेकिन गाइस, हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक के बिना कहीं मत जाना, कमेंट करके आप लोग मुझे थॉट्स बताओ कि रॉयल रंबल के लिए भाई आपकी एक्साइटमेंट क्या है, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।